तो हे गाइस, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ जिसके अंदर मैं बात करूँगा वीवो V19 के बारे में, जो वीवो की तरफ से आने वाला एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन था। जो आपको पता होगा 3 अप्रैल को इंडिया के अंदर लॉन्च होना था, लेकिन COVID-19 के चक्कर में उसका लॉन्च इवेंट डिले हो गया। अभी तक नई लॉन्च डेट इंडिया के अंदर नहीं आई है, लेकिन ये स्मार्टफोन धीरे से वीवो ने ग्लोबली लॉन्च कर दिया है और इंडोनेशिया के अंदर ग्लोबली वेबसाइट पे ये लिस्ट हो चुका है, जिसके अंदर इसकी प्राइसिंग को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इसके सारे स्पेसिफिकेशंस को रिवील कर दिया गया है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो जिस फीचर के लिए स्मार्टफोन को टीज़ किया जा रहा है, उसी से हम इस स्मार्टफोन की बात स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, तो इसके अंदर आपको ड्यूल सेल्फी जो पिल शेप के अंदर देखने को मिलेगी, पंचोल से जो थोड़ी एक्स्ट्रा जो फीचर के साथ आती है उसे पिल शेप कहते हैं। तो इसके अंदर आपको ड्यूल पिल शेप सेल्फी देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर जो मेन सेल्फी कैमरा होगा वो होगा 32 मेगापिक्सल का, प्राइमरी एज ए प्राइमरी कैमरा सेटअप के लिए उसे यूज़ किया जाएगा। और जो एक एडिट जो कैमरा होगा वो 8 मेगापिक्सल का होगा, सुपर वाइड एंगल जो 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आएगा। तो ये इसकी जो फ्रंट ड्यूल सेल्फी कैमरा की जो सेटअप थे उसके साथ आएगा। और इसके अंदर AI का फुल इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके कारण इसकी जो कैमरा क्वालिटी होगी उसे इम्प्रूव किया जाएगा। यही इसके अंदर वीडियो क्वालिटी के अंदर भी AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अंदर जो AI का खेल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वहीं पर इसकी बैटरी की बात करते हैं, वो 45,000 mAh के साथ आएगी, जो 33 वोट की वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ होगी, जिसके अंदर वीवो क्लेम करता है ये 0 to 54% 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाएगा। तो ये तो अब स्मार्टफोन आएगा, उसके बाद जो टेस्ट होगा उसके बाद ही इसका पता चलेगा कि ये 30 मिनट्स के अंदर कितना चार्ज होता है। तो ये भी इसका एक कूल फीचर देखने को मिल रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको इसके बारे में क्या सोचना है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। तो आगे इसकी बात करते हैं। इसके अंदर आपको सेल्फी के अंदर एक स्पेशल नाइट मोड देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपके सेल्फी के अंदर जो AI का काम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, और आप अच्छे से अपनी नाइट के अंदर जो डार्क साइड के अंदर अपनी फ़ोटोज़ को क्लिक कर पाएंगे। ये भी इसका काफ़ी कूल फीचर है। तो बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जहाँ पे अभी तक ये वीवो की तरफ से ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि इसके अंदर आपको सुपर एमोलेड अल्ट्रा और डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो 6.44 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी E3 OLED टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी देखने को मिलेगा, और ये 187 ग्राम्स के ऊपर स्मार्टफोन का वेट होगा। तो ये काफ़ी बल्कि देखने को मिलेगा आपको। और इसके अंदर जो आपको आई कम्फर्ट नाम की एक टेक्नोलॉजी है जो एमोलेड डिस्प्ले के अंदर पॉसिबल हो पाती है, उसके कारण इसको आपको आई को सेव करने के लिए इसके अंदर 42% कम आपकी जो आई को प्रोटेक्शन देगा ये, और इसके अंदर 800 nits की जो पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट होगा। बात करते हैं इसकी जो आउटर डिज़ाइन होगा, जो इसका फिजिकल व्यू होगा उसकी, तो ये 3D कर्व्ड ग्लासेस के साथ आएगा, और इसके अंदर आपको स्टाइलिश बैक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको दो कलर वेरियंट देखने को मिलेंगे, एक ग्लीम ब्लैक एडिशन और एक स्लिक सिल्वर एडिशन। दोनों कलर्स के आपको यहाँ पे मैं सैंपल दिखा देता हूँ, तो ये आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। आपको फ्रंट के बारे में मैंने बता दिया 32 मेगापिक्सल प्लस 8 की, और जो रियर के अंदर दिखेगा वो क्वाड कैमरा सेटअप होगा। टोटल इसके अंदर 6 कैमराज होंगे फ्रंट और बैक के अंदर। तो बैक कैमरा की बात करते हैं, उसके अंदर 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का सेटअप देखने को मिलेगा। जो रियर कैमरे के अंदर जो मेन कैमरा होगा उसके अंदर f1.79 का अपर्चर, और जो अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल होगा जो 2.2 के अपर्चर के साथ, और एक जो 2 मेगापिक्सल का होगा वो बोके के लिए होगा 2.4 अपर्चर, और एक मैक्रो के लिए होगा 2 मेगापिक्सल वो भी 2.4 एपर्चर के साथ आएगा। रियर के अंदर आपको ड्यूल सेल्फी फ्लैश देखने को मिलेगा, और जो फ्रंट के अंदर जो कैमराज होंगे उनके अंदर जो 32 मेगापिक्सल होगा उसके अंदर 2.08 एपर्चर, और जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा उसके अंदर f2.28 का एपर्चर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इसके एपर्चर के साथ आपको वीवो V19 के जो कैमरा सेटअप है उसकी बात हो गई कम्प्लीट।
तो स्मार्टफोन के सबसे पावरफुल पार्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट देखने को मिलेगा जो 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो इसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड देख सीपीयू की क्लॉक स्पीड आपको 2.3 गीगाहर्ट्ज़ तक की देखने को मिलेगी। यह आपको 8GB वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 128GB और 256GB का जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा। रैम वेरिएंट एक ही देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन के अंदर कुछ ये स्पेक्स है। तो आगे इसके रैम और रोम की जो प्रोसेसिंग के बारे में बात करें तो UFS 2.1 जो आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी और रैम देखने को मिलेगी आपको LPDDR4X की। तो ये अच्छा नहीं लगा कि UFS 3.0 देना चाहिए थे यहाँ पे और LPDDR5 देनी चाहिए थी, क्योंकि वीवो कम से कम इस पर 25,000 के एक्सपेक्ट प्राइस इस पर टारगेट करेगी, तो ये सबसे गलत बात लगी इसकी। बाकी आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना मुझे, मैं आपके कमेंट रीड कर रहा हूँ। साथ ही इसके अंदर आपको कॉपर ट्यूब लिक्विड कूलिंग देखने को मिलेगी जो आपके फ़ोन का टेम्परेचर 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज़ करेगा, जिसके कारण आपकी गेमिंग और स्मूथ हो जाएगी और आप फील कंफर्ट फील करेंगे स्मार्टफोन के साथ, जो आपकी हीट को रिड्यूस कर देगी। बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग की, तो अल्ट्रा गेम मोड मिलेगा जो आपको काफ़ी स्मूथ गेम एक्सपीरियंस करके दे देगा। वॉइस चेंजर का सपोर्ट मिलेगा, गेम 3D वाइब्रेशन के साथ आएगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और आपको लैग फ्री और जो फ्रेम ड्रॉप्स होंगे उनको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये इसकी गेमिंग का पार्ट कुछ था। होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट के अंदर आपके थॉट्स बता दीजिए, अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। गुड बाय, साइन ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।